हेलो एवरीवन, जो हम टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज यूज्ड इन बॉयलर्स। माउंटिंग्स पे फर्स्ट वन हम देखेंगे वाटर लेवल इंडिकेटर। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फिटिंग विच इंडिकेट्स द वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर टू एन ऑब्जर्वर। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस अपॉन विच द करेक्ट वर्किंग ऑफ द बॉयलर डिपेंड्स। ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, ये क्या करता है, ये है वाटर लेवल इंडिकेटर। यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता लगता रहेगा कि इसमें स्टीम का और वाटर का लेवल कितना है। अगर अचानक से वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो स्टीम का प्रेशर हाई हो जाएगा, जिससे कि ये क्या हो सकता है, कंटेनर ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक, सेकेंड इज इसमें स्टॉप वाल्व। इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। जो भी बॉयलर से स्टीम फ्लो हो रही है उसके फ्लो को रेगुलेट करता है। दिस इज जनरली माउंटेड ऑन द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द बॉयलर शेल एंड परफॉर्म फंक्शन ऑफ रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टीम के फ्लो को रेगुलेट करता है बॉयलर से। ठीक है, यहाँ से स्टीम इनलेट है, ठीक है, यहाँ पर ये रेगुलेटिंग का काम कर रहा है और यहाँ से स्टीम आउट हो रही है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेफ्टी वाल्व। दीज आर द डिवाइसेस अटैच टू द स्टीम चेस्ट फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लोजन्स ड्यू टू एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर ऑफ द स्टीम। अ स्टीम बॉयलर इज यूजली प्रोवाइडेड विद टू सेफ्टी वाल्व्स। दीज आर डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द बॉयलर। The function of the safety valve is to blow off the steam when the pressure of the steam inside the boiler exceeds the working pressure. Safety valve का काम क्या होता है, जब भी steam boiler में एक limit से ज़्यादा steam का pressure हो जाए तो ये क्या करता है, steam को release कर देता है यहाँ से। ठीक है, ये भी different type के होते हैं, बट इसका मेन काम क्या है, उस प्रेशर को रेगुलेट करना जो भी बॉयलर में है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज इज़ वेरी सिंपल। अ प्रेशर गेज इज इंडिकेट्स द प्रेशर ऑफ स्टीम इन द बॉयलर। हम क्या करेंगे, प्रेशर गेज की हेल्प से प्रेशर देख लेंगे कि इतना प्रेशर है, और पहले से हमारी लिमिट डिसाइड होती है कि हमें क्या करना है, इतने बार से इतने बार तक अगर प्रेशर होगा तो नॉर्मल है, अदरवाइज़ क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने बॉयलर को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूजिबल प्लग। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रिवेंटिंग द लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम गोइंग डाउन बिलो अ क्रिटिकल पॉइंट एंड दस अवॉइड्स ओवरहीटिंग। फ्यूजिबल प्लग क्या करता है, वाटर लेवल को एक सर्टेन लेवल से नीचे जाने से रोकता है, क्योंकि अगर वाटर लेवल सर्टेन लेवल से नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, ओवरहीटिंग हो जाएगी स्टीम की और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ फिटेड टू द क्राउन प्लेट ऑफ द फायर वॉक्स। इट हैज़ गन मेटल बॉडी एंड कॉपर प्लग पुट विथ फ्यूजिबल मेटल एट इंटरफेस ऑफ कॉपर प्लग एंड गन मेटल बॉडी। अ फ्यूजिबल प्लग मस्ट बी केप्ट इन गुड कंडीशन एंड रिप्लेस्ड एनुअली। जो फ्यूजिबल प्लग है बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसको एनुअली क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, और इसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि इसकी कंडीशन ख़राब ना हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये हमारा सुपर हीटर है। ठीक है, ये एक्सेसरीज में आता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिवाइस ऑफ स्टीम जनरेटिंग यूनिट। ये क्या है, स्टीम जनरेटिंग यूनिट की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। जनरली बॉयलर जनरेट्स वेट स्टीम। जो बॉयलर में स्टीम जनरेट होती है उसमें क्या होता है, कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी होता है। बाय हीटिंग फर्दर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। अगर हम इस वेट स्टीम को अगेन हीटिंग करें, ठीक है, तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एडिशन के बाद ड्राई सैचुरेटेड। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का मतलब क्या होगा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, द स्टीम टेम्परेचर कैन फर्दर बी इंक्रीज टू एनी डिजायर्ड डिग्री बाय पासिंग इट थ्रू सुपर हीटर। ठीक है, सुपर हीटर में अगर हम अपनी स्टीम को पास कराते हैं तो क्या होगा, हमें डिजायर्ड डिग्री ऑफ टेम्परेचर
स्टीम का मिल जाएगा, जिस जो हमें कहाँ यूज़ करना है, बॉयलर में यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा सुपर हीटर हो गया। इकोनोमाइज़र नेक्स्ट एक्सेसरीज है। इकोनोमाइज़र इज़ यूज टू हीट द वाटर विच इज़ बीइंग फेड इनटू द बॉयलर। ठीक है, इकोनोमाइज़र का क्या यूज़ होता है, जो फ्लू गैसेस निकल रही हैं, जो फर्नेस से फ्लू वेस्ट गैसेस हैं, ठीक है, जिनका हीट हम अब यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो उस हीट को लेकर ये क्या करता है, जो वाटर बॉयलर में एंटर करने वाला है उस वाटर को प्री हीट कर देता है। ठीक है, लेट सपोज ग्राउंड से हमने वाटर लिया, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, और जो फ्लू गैसेस हैं उसका टेम्परेचर लेट सपोज 80 डिग्री सेल्सियस था, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, कॉन्टैक्ट में लाएंगे, जिससे कि क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेल्सियस था वो थोड़ा रेज हो जाएगा, और वो हम उसकी जो ये फ्लू गैसेस थी, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, इसकी एनर्जी को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर भी इकोनोमाइजर की तरह ही है, बस इसमें जो डिफरेंस है वो है, हम यहाँ पर एयर को प्री हीट करते हैं, जो एयर हमारी फर्नेस में जा रही है उसको प्री हीट करते हैं। द फंक्शन ऑफ एन एयर प्री हीटर इज टू हीट द एयर बिफोर इट सप्लाइज टू द फर्नेस ऑफ द बॉयलर। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो एयर है उसको प्री हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी कुछ माउंटिंग्स और एसेसरीज। इसके अलावा भी बहुत सारी माउंटिंग्स और एसेसरीज होती हैं, जिसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास।